गेम चाहिए था वो इस वक्त गेम हमें देखने को मिल जरूर है, बट पवन मुझे लगता है अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। बिल्कुल पवन यहाँ पे अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, दो प्लेयर को डाउन किया, ब्लड बैशर इसी के साथ डाउन होते हुए, एजियो की बात करें वो भी डाउन हो गया, बट पवन फाइनली यहाँ पे MOM के हाथों खत्म किए गए। 8 किल MOM के पास, जो मैच की दरकार थी वो मैच MOM ने करके दिखाया। ब्लड बैशर वो एलिमिनेट जरूर हुए, कम से कम टॉप 5 में अपनी टीम को पहुंचा के गए। बिल्कुल सही वैसे, और आप एक चीज देख लीजिएगा, MOM इस गेम में अगर भूया लेके जाती है, मैं कम से कम क्या हूँ, कम से कम 12 से 13 खेल होगा, क्योंकि दो प्लेयर सामने, गोल्डू को भी अभी डाउन किया गया था, उन्हें उठा दिया गया, पीछे फिर से एक्समेनिया को डाउन किया, एक्समेनिया को उठाने के कोई चांसेस नहीं, गोल्डू फिर से डाउन हो चुके, 10वां किल ऐड होने वाला है फिर से, एक प्लेयर इस टाइम पे इनसेन बचे, और इसी के साथ LR7 भी खत्म किया, सर्वाइवर 4 MBC के साथ खत्म हो चुके, 4v4 के दिव्यांश का एक ओपी ग्रेनेड लॉन्चर एमेंड्रॉन अंशुल सब डाउन, 1v4 का सिचुएशन, 15 किल के साथ यहां पे फिर से भूया निकालने वाली है। MYM आग लगाती हुई, बेबी इज द लास्ट प्लेयर एंड भूया 50 पॉइंट निकाल दिया है MYM ने, हमेशा की तरह हिस्ट्री रच दी एक बार फिर से MYM ने मेजी। इसी चीज की हम लोग स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि MYM के लिए 50 पॉइंट बहुत आराम से निकल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये चीज पहले भी करके दिखाई है, और इसी चीज की मैं बात कर रहा था, पहले टॉप 12 के अंदर, फिर टॉप 12 के बाहर, फिर टॉप 12 के अंदर, प्लेयर जो MVP के रेस में इस वक्त सबसे आगे है, वेल 6 किल निकाल के गए अपनी टीम से। MYM के कम से कम दो प्लेयर और हमें देखने को मिल सकते हैं टॉप 5 में, 3-4 आएगा नहीं आएगा मेजी, मैं तो यहाँ पे किल पॉइंट्स देख रहा हूँ कि 6 किल वेल्स, 5 किल दिव्यांश, 4 किल निंजा, बिल्कुल उन्होंने बारी बारी मार मारी है। मंक उसके बाद आते हैं 3 किल करके, वो भी टॉप 5 में, निलाज, लेकिन जिस जो बात है MYM वेल्स दिव्यांश का जो नेड आया है, पूरी की पूरी लाइफ हैकर्स की टीम को एक ग्रेनेड लॉन्चर से उन्होंने उड़ा दिया था, वो अलट पलट गए, उनको यकीन भी नहीं हुआ कि ये नेड आया है कहाँ से, बट जो इनका चौथा प्लेयर था उसने 0 किल मारा है, उसने किल ही नहीं निकाला, आप देखें कि 6, 4, 10, 5, 15 तीन ही प्लेयर ने 15 किल मार दिए, और जो चौथा प्लेयर था उसके नाम 0 किल है, कितना ज्यादा बुरा लग रहा होगा, उनको भी लग रहा होगा कि 1-2 किल मैं भी निकालता तो शायद टॉप 5 में मेरा भी नाम आता, बट खैर इसके साथ चलेंगे पॉइंट स्टैंडिंग पे और देखेंगे इस मैच के पॉइंट स्टैंडिंग पे 50 पॉइंट लेते हुए टीम MYM को, और उसका आधा 50% लाइफ है स्क्वाड 25 पॉइंट के साथ।